नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत सिंह। आप सब देख रहे हैं सुशांत सिंह RJ02 चैनल। दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे हवा महल के इतिहास के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें। पिंक सिटी के बड़ी चौपड़ में स्थित हवा महल राजपूतों की शाही विरासत, आर्किटेक्चर और संस्कृति के अद्भुत सम्मेलन का प्रतीक है। हवा महल को राजस्थान की सबसे पुरानी इमारतों में से एक माना जाता है। खूबसूरती से इस डिजाइन किया गया जयपुर हवा महल सबसे प्रसिद्ध पर्यटक अट्रैक्शन में से एक है। हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है, इसका नाम हवा महल इसलिए पड़ा क्योंकि महल में महिलाओं के लिए ऊंची दीवारें हैं ताकि वे महल के बाहर होने वाले फेस्टिवल को आसानी से देख सके। यह महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। यह महल सिटी पैलेस के किनारे पर बना हुआ है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई जय सिंह के पुत्र सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराज भूपाल सिंह द्वारा बनवाए खेतड़ी महल से वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हवा महल बनवाया। इसे रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनवाया गया था। बारीक जालीदार खिड़कियों और पर्दे वाली बालकनियों से सजे इस खूबसूरत हवा महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य शाही जयपुर की शाही राजपूत महिलाओं को खिड़कियों से सड़क पर हो रहे उत्सव देखने की अनुमति देना। उस समय महिलाएं पर्दे का पालन करती थी और दैनिक कार्यक्रमों की एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक दिखावे से बचती थी। इन खिड़कियों के सारे उनके चेहरे को ठंडी हवा का एहसास होता था और तेज धूप में भी उनका चेहरा ठंडा रहता था, जो उनकी खूबसूरती का राज भी था। इस तरह वे अपने रीति रिवाजों द्वारा बनाई गई इन खिड़कियों से बाहर का सब कुछ देख सके और आनंद ले सके। 50 साल बाद 2006 में महल की मरम्मत की गई। इस समय इस स्मारक की कीमत करीब 45 करोड़ रुपए बताई गई थी। वहां के कॉरपोरेट सेक्टर ने इस स्मारक की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन बाद में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने यह जिम्मेदारी उठाई। हवा महल के प्रसिद्ध होने के बाद इसके परिसर का भी विकास किया गया। हवा महल में पर्यटकों को कई ऐतिहासिक चीजें देखने को मिलती है। महल की एक और अट्रैक्टिव विशेषता है दीवार का घुमावदार किनारा है। जयपुर में बने स्मारकों की तरह यह महल भी लाल और गुलाबी रंग के पत्थरों से बना है। हवा महल का अर्थ है हवा का महल। इस महल में 953 छोटी खिड़कियां हैं और कमरे हैं। इन कमरों को ताजी हवा के महल में प्रवेश के लिए बनाया गया था। हवा महल राजपूतों के लिए गर्मी के दिनों में रात पाने के लिए एक विशेष स्थान था, क्योंकि खिड़कियों से आने वाली ठंडी हवा पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। हवा महल का नाम यहाँ की 5वीं मंजिल से मिलता है, जिसे हवा मंदिर कहा जाता है। हवा महल में करीब कुल 953 खिड़कियां हैं जो महल को ठंडा रखती हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हवा महल। बिना किसी आधार के बना यह महल दुनिया का सबसे ऊंचा महल है। हवा की तरफ कोई प्रवेश द्वार नहीं है। अगर आप सुंदर अंदर जाना चाहते हैं तो आपको पिछले हिस्से से होकर जाना होगा। हवा महल कुल 5 मंजिला है और आज भी यह महल 87 डिग्री के कोण पर सफलतापूर्वक अपनी जगह पर खड़ा है। हवा महल को हवाओं का महल भी कहा जाता है। हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं जो महल को ठंडा रखती है। जयपुर के सभी शाही लोग इस महल का उपयोग गर्मियों में करते हैं। हवा महल को लाल चंद उस्ताद ने डिजाइन किया था। यह महल विशेष रूप से जयपुर की शाही महिलाओं के लिए बनवाया गया था। यह मुगल और राजपूत स्थापत्य शैली में निर्मित एकमात्र महल है। हवा महल में ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए केवल ढलान वाला रास्ता है। वहां ऊपर जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है। यह 5 मंजिला पिरामिड के आकार में बना है, जो अपने ऊंचे आधार से 50 फीट बड़ा है। हवा महल की खिड़कियों की जाली चेहरे पर पर्दे का काम करती थी। 5 मंजिला होने के बावजूद आज भी हवा महल सीधा खड़ा है। इमारत का डिजाइन इस्लामिक मुगल आर्किटेक्चर के साथ हिंदू राजपूत आर्किटेक्चर के सलियन को दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि महाराज सवाई प्रताप सिंह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति महल की संरचना के डिजाइन से ही स्पष्ट हो जाती है, जो बिल्कुल भगवान कृष्ण के मुकुट जैसे दिखता है, जिनमें से कुछ लकड़ी के बने। इन खिड़कियों का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि गर्मियों में ताजी हवा से पूरी इमारत ठंडी रहती थी। हवा महल की दीवारों पर फूलों के पत्तों का काम राजपूत शिल्प कौशल का एक अनूठा उदाहरण है। साथ ही मुगल शैली की पत्थर की नक्काशी मुगल शिल्प का एक
अनूठा उदाहरण है। पहली मंजिल पर शरद मंदिर उत्सव के लिए बनाया गया, जबकि हवा महल की दूसरी मंजिल पर रतन मंदिर को कांच के काम से सजाया गया है। तीन मंजिलों पर विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर का कब्जा है। यहाँ आपको गुलाबी नगरी जयपुर में अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। हवा महल का कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन सिटी पैलेस की तरफ से एक शाही दरवाजा हवा महल के प्रवेश द्वार की ओर जाता है। यहाँ तीन दो मंजिला इमारतें तीन तरफ से एक बड़े प्रांगण को घेरे हुए हैं, जिसके पूर्वी हिस्से में हवा महल है। हवा महल बनाने में लगी निर्माण सामग्री की अलग कहानी है। गुड़, मेथी और जूट से बनी हवा महल की यात्री चूने को पीसकर इसकी लुगदी में बजरी सुरखों और गुड़ा डाली गई और इसके बाद चमक छिली हुई जूट और मेथी पीसकर पाउडर के रूप में डाली गई और इस मासिक से दरवाजे और खिड़कियां बनाई गई। निर्माण सामग्री में अलग अलग जगहों पर शंख, नारियल, गोंद और अंडे के ऊपरी हिस्से शैल का भी उपयोग किया गया। प्रताप सिंह ने जब महल की शानदार प्रशंसा सुनी तो लालचंद उस्ताद को बुलाकर जयपुर के निकट एक गांव इनाम में दिया। 1779 में इस हवा महल को लालचंद उस्ताद ने 200 कलाकारों पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। एंड थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।